हेलो गाइस, मैं हूं सवाद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लुनेटिक एप्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ई सिम के बारे में और आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं ई सिम के बारे में। तो अगर आपने ई सिम के बारे में सुना है या नहीं सुना है और अगर आपके मन में ई सिम के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। इस वीडियो में मैं सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं, आपको सब कुछ बताने वाला हूं ई सिम के बारे में। ई सिम क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, सब कुछ मैं कम्प्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ई सिम क्या है। दोस्तों, ई सिम जो है शॉर्ट फॉर्म है एम्बेडेड सिम का, और कई बार इसको EUICC भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड यूनिवर्सल सर्किट कार्ड। तो ये एक एम्बेडेड टाइप का सिम है जो कि आपके मदरबोर्ड में, मोबाइल के मदरबोर्ड में जो बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है आपका मोबाइल का, उसमें ही एम्बेड किया होगा और आपको कोई भी फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक टाइप का सिम कार्ड है जो कि आपके मोबाइल में ही इंटीग्रेटेड होगा, जो कि आपके मोबाइल में ही एम्बेडेड होगा, और उसके उसको यूज करने के लिए आपको किसी तरह की अलग से, मतलब फिजिकल सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप उसमें कोई भी नेटवर्क, कोई भी ऑपरेटर का नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो ये है ई सिम। अभी जानते हैं ई सिम की जरूरत क्या पड़ी जब हमारा फिजिकल सिम से काम चल रहा था, तो ई सिम की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों, पहले जो मोबाइल आते थे वो मोटे मोटे होते थे, उसमें काफी स्पेस होता था, तो कहीं पे भी कितना बड़ा भी कोई चिप लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता था, स्पेस उसके अंदर काफी था। तो पहले बड़े बड़े सिम आते थे, आपने देखा होगा। और उसके बाद फिर जो है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, फिर पतले पतले फोन का जमाना आ गया, जो डिमांड हो गई वो पतले फोनों की डिमांड बढ़ने लगी। तो फिर फोन स्लिम हुआ तो स्पेस उसके अंदर कम होने लगा, तो सिम को और छोटा किया गया, फिर माइक्रो सिम बनाया गया और उसको बाद में और छोटा किया गया, फिर नैनो सिम आया। अभी एक और स्टेप आगे लिया गया है, उसमें पूरी तरह से कम्प्लीटली सिम को जो है रिमूव करने का इरादा है। और जो सिम, एक्चुअली जो सिम होता है उसमें पूरा प्लास्टिक कंटेंट होता है और छोटा सा उसमें एक चिप होता है जिसका मेन यूज होता है, प्लास्टिक का कोई काम नहीं होता है, वो जस्ट ऐसे प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो अभी मैन्युफैक्चरर्स ने जो सोचा है वो ये सोचा है कि उस प्लास्टिक को पूरी तरह से रिमूव करके वो जो सिम का जो छोटा सा मेटल का पार्ट होता है उस टाइप का एक चिप जो है डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगा दिया जाएगा। तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए सिम और आपको कोई भी फिजिकल कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको जो है स्लॉट वगैरह देना कम पड़ेगा और उसका जो है स्पेस का प्रॉपरली यूज हो पाएगा। तो ये बेसिकली आइडिया है मैन्युफैक्चरर का, ये फायदा है कि उनको जगह मिल जाएगा, उस जिस जगह में स्लॉट लगाते थे सिम का वहां पे वो कुछ और यूज कर सकते हैं, हो सकता है। तो ये बेसिकली आइडिया है। आपको क्या फायदा होगा इससे, आपको ये फायदा होगा कि आपको कोई फिजिकल सिम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फिजिकल सिम नहीं लगाएंगे तो वो जो स्लॉट है वो नहीं दिया होगा, तो वो प्रॉपरली जो है स्लॉट नहीं दिया होगा तो जो उसमें पानी वानी जाने का खतरा होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो मोबाइल आपका कम खराब होगा पानी में गिरने के बाद भी। और उसके अलावा आप जो है सिम, जो सिम आपको इंटीग्रेटेड दिया रहेगा उसमें कोई फिक्स नेटवर्क नहीं होगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेटवर्क जो है उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क आप जो है प्रोफाइल सेट कर सकते हैं फोन में और जैसे आपकी जरूरत पड़े उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फायदा होगा कि मतलब आप एक ही फोन में मल्टीपल जो है सिम को, सिम का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जैसी जैसी आपकी जरूरत पड़े उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका फायदा। अभी कुछ इसके फायदे हैं, कुछ इसके नुकसान है। तो नुकसान क्या है, फायदे तो मैंने बता दिया, ये फायदा होने वाला है। तो नुकसान यहाँ पे क्या है, नुकसान ये है कि पहले फिजिकल सिम होता था तो सिंपली आप कभी मोबाइल अपना बेचते थे या अपना किसी को मोबाइल देते थे, सिंपली आप अपना सिम कार्ड निकाल लेते थे और वो फोन किसी और को पकड़ा देते थे, वो अपना सिम कार्ड लगा देता था, इस तरह से प्रोसेस चलता था। लेकिन अभी नुकसान ये है कि आप
किसी को मोबाइल ऐसे दे नहीं सकते। देने से पहले आपको वो जो ई सिम का प्रोफाइल क्रिएट किया है वो आपको डिलीट करना पड़ेगा ताकि आपका ई सिम जो है गलत यूज ना हो। और अब जो वो आप ई सिम दूसरे फोन में यूज करना चाहेंगे तो उसको आप डायरेक्टली, पहले था फिजिकल सिम था दूसरे फोन में लगा देते थे, काम चल जाता था, लेकिन अभी आपको नेटवर्क ऑपरेटर को जो है बताना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, मतलब जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ई सिम दूसरे फोन में एक्टिवेट किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी हो गया, पहले आप डायरेक्टली सिम लगाते थे आपका काम हो जाता था, यहाँ पे आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, 2-4 घंटे का टाइम भी लग सकता है इसको एक्टिवेट करने में दूसरे फोन में। तो ये एक जो है डिसएडवांटेज है इसका। तो अभी आपको पता चल गया ई सिम का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये सारा कुछ आपको पता चल गया। तो अभी आपके मन में आ रहा होगा क्या मेरे फोन में ई सिम काम करेगा, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपके पास एप्पल का कुछ नया फोन जो अभी नए फोन लॉन्च हुए हैं वो नहीं है, या फिर गूगल के जो नए फोन लॉन्च हुए हैं वो नहीं है, तो आपके फोन में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ई सिम का फैसिलिटी है ये एप्पल के नए फोन में अवेलेबल है, अभी नए नए जो अभी मॉडल्स आए हैं उसमें अवेलेबल है, और गूगल के कुछ नए मॉडल जो आए हैं उसमें अवेलेबल है, बाकी किसी और जो है मैन्युफैक्चरर का फोन अगर आपके पास है तो इन सब में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। और अगर सिम ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एयरटेल अभी ई सिम का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जियो भी बहुत जल्दी ई सिम का फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। तो ये दो ही ऑपरेटर अभी इंडिया में हैं जो कि ई सिम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी अगर आप कोई भी अदर सिम यूज करते हैं जैसे वोडाफोन वगैरह तो इसमें अभी ई सिम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब जानते हैं कि अगर आपके पास एप्पल वगैरह का फोन है या गूगल का नया वाला फोन है तो आप ई सिम को कैसे एक्टिवेट करेंगे अपने मोबाइल में। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, अगर आप एयरटेल के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको सिंपल वे में सारा कुछ समझाया गया है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक मैसेज करना पड़ेगा ई सिम लिख के, उसके बाद आपको जो कॉर्नर वाला ब्रैकेट होता है, ट्रायंगुलर वाला ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, तो और 1-to-1 पे ये जो मैसेज आपको भेजना पड़ेगा, एसएमएस भेजना पड़ेगा, तो वहां से आपको एक मैसेज आएगा कि आपको ई सिम का जो है इस नंबर से ई सिम का वो आया है, आपके रिक्वेस्ट आया है, तो अगर आपने भेजा है तो आप इसको कंफर्मेशन कीजिए 1-1 रिप्लाई करके, अगर आपने नहीं भेजा तो आप इसको इग्नोर कीजिए। तो आपको विद इन 60 सेकंड के अंदर 1 रिप्लाई करना होगा, उसके बाद जब 1 रिप्लाई करेंगे तो एक और मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अभी आपको ऑडियो कॉल आएगा और उसमें आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा। तो ऑडियो कॉल आएगा उसमें भी आपको वही चीज कहेगा कि अगर आपने रिक्वेस्ट किया है तो 1 दबाइए, तो उस तरह से आप दबाएंगे तो फिर आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद आपके ईमेल आईडी पे एक QR कोड भेजा जाएगा, और उस QR कोड को आपके अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके, वहां पे ईसिम वाले ऑप्शन में जाके आपको उस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे विद इन 2 आवर में आपका जो है ईसिम एक्टिवेट हो जाएगा आपके मोबाइल पे, और आपका जो फिजिकल सिम होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही ईसिम एक्टिवेट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एयरटेल का, बाकी अभी जियो का मुझे पता नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका सारा डाउट जो भी था मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले ई सिम नाम का भी कुछ आ रहा है मार्केट में। और तो चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।